मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने ये थ्योरम वगैरह देखा था कि कैसे प्रूफ करना था हमें। सो आज के लेक्चर्स में हम लोग 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, उससे रिलेटेड वगैरह सम्स करेंगे। वरुण कुछ डाउट है आपको? अच्छा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सो मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर्स में ये बताया था कि एक्यूट एंगल के लिए जो ये थीटा होता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये क्या था वो हमने मतलब प्रूफ किया था। टैन थीटा इज इक्वल्स टू टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी था। और इसके बाद में नोट में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो उनका कंडीशन क्या होता है। और फिर इसके बाद में कुछ सम्स हमने सॉल्व किए थे 4.1 के। सो स्टूडेंट्स, आज क्या क्या करना है, ये जो मतलब थ्योरम है, थ्योरम के ऊपर बेस्ड सम्स होंगे और कुछ ये नोट के ऊपर बेस्ड सम्स होंगे, वो सॉल्व करना है। सो एक मैडम, तो जब लाइन परपेंडिकुलर थे तो इनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन कितना आता है, -1 आता है। क्या आता है? -1 आता है। और जब हमें कंसीडर करते हैं जब लाइन पैरेलल होंगे, जब अगर लाइन पैरेलल होगा तो क्या आता है, स्लोप इक्वल होते हैं। इफ लाइन्स आर पैरेलल, M1 इक्वल्स टू क्या था, M2 था। ये हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा है स्टूडेंट। जब यहाँ पे दो लाइंस का जो स्लोप होता है, सॉरी, लाइन अगर पैरेलल होते हैं तो उनका स्लोप भी क्या होता है, इक्वल होता है। सो अगर हम लोग इसको ये कंसीडर करते हैं, ये M1 और M2 है, दोनों इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, M1 माइनस M2 इक्वल्स टू जीरो। ये कंडीशन हमें मिल रहा है, M1 माइनस M2 इक्वल्स टू जीरो। और ये जो स्टूडेंट हमने थ्योरम कल डिराइव किया था, उसमें अगर आप लोग देखोगे M1 माइनस M2 का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, प्लस माइनस टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी है, इसके इक्वल था। सो ये जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं स्टूडेंट, M1 माइनस M2 का वैल्यू क्या है, प्लस माइनस टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन क्या है, बी है। सो हम यहाँ पे पॉजिटिव के लिए कंसिडर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टू अंडर रूट, या फिर प्लस माइनस दोनों कंसिडर कर सकते हो, एच स्क्वायर माइनस ए बी अब जाएगा ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। अगर आप लोग देखोगे ध्यान से, ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है, डिनोमिनेटर का पार्ट है वो ए प्लस बी है, सॉरी, अगर ए प्लस बी वो साइड जाएगा तो जीरो हो जाएगा, सिर्फ क्या मिलेगा, टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू जीरो। अगर ये स्टूडेंट टू मल्टीप्लीकेशन में वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू जीरो। दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो हेलो हेलो सर, हेलो सर, सो आई थिंक डिस्कनेक्ट सर, वीडियो पॉज हो गया था सर का, सॉरी सॉरी, नेट इशू था सर शायद से। ओके ओके सर, स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो है कब, जब लाइन परपेंडिकुलर होंगे, और लाइन जब पैरेलल होंगे स्टूडेंट उसके लिए कंडीशन होता है एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू जीरो, या फिर एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, दोनों को कैसे भी लिख सकते हो, एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, या फिर दोनों को माइनस करने के बाद इक्वल जीरो आना चाहिए। सो नोट में दो पॉइंट हो गया स्टूडेंट, एक पॉइंट ये है कि जब लाइन परपेंडिकुलर होगा, और दूसरा पॉइंट ये है जब लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे, सॉरी, जब लाइन क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और यहाँ पे नोट में थर्ड पॉइंट लिखना है आप लोगों को, जब दो लाइन कोइंसाइड करते हैं,
जब लाइंस अगर कोइंसाइड होंगे तो ये जो मतलब हमारा सेकंड वाला पॉइंट है ना स्टूडेंट, वहां पे पैरेलल के लिए सेम वही किसके लिए आ जाएगा, यहाँ पे कोइंसिडेंट के लिए भी वही आ जाता है जब कोइंसाइड करेंगे लाइन। इफ लाइंस, ये मैं तो आपको बता दूंगा ना, ये वरुण मतलब पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपको। इफ लाइंस आर, सॉरी, लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो आर coincident if and only if x square equals to ab। so ये भी काफी important step है student कि जब line ax square plus 2hxy plus by square coincide करेंगे तो यहाँ पे ये condition proof होना चाहिए, मतलब x square किसके equal होना चाहिए, ab के equal होना चाहिए, किसके equal होना चाहिए, ab के लिए। So, एक बार मैं रिपीट करता हूँ स्टूडेंट, क्योंकि यही सब हमें हम लोग को 4.2 के लिए ये सब बेसिक है। जब लाइन अगर परपेंडिकुलर प्रूफ करना होगा, जब अगर लाइन परपेंडिकुलर प्रूफ करना होगा तो क्या कंडीशन होना चाहिए, ए और बी को ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, और पैरेलल के लिए एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आना चाहिए। उसके बाद में इफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो कोइंसाइड करेंगे, जब एच स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एबी के इक्वल होगा। एक मिनट रुके, एक सम लिखता हूं, फिर आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये हमारा 4.2 का फर्स्ट सम है। पैरेलल लाइन कैसे कोइंसाइड कर सकते हैं, देखो जो हमारा ये जो लाइन था ना ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, ये दो लाइन ऐसे पास हुआ था ना, मतलब ओरिजिन से ऐसे पास हुआ था, ये वाला ये ऐसे पार्ट था। सो ये पैरेलल के लिए था, और अगर कोइंसाइड मतलब क्या कि ये दोनों लाइन एक ही, मतलब एक ही होगा, एक ही दो लाइन कोइंसाइड करेगा, समझाइए, ये लाइन पैरेलल नहीं है, मतलब कोइंसाइड करेगा, ये जब दोनों कोइंसाइड करेंगे तब ये जाके ये कंडीशन प्रूफ होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एबी के लिए। और उन क्या नहीं समझा आपको, so that line represented by, so that line represented by 3x square minus of 4xy minus of 3y square, minus of 3y square equals to 0 are perpendicular to each other, are perpendicular to each other, अगर आप लोग देखोगे यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला है, शो दैट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो स्टूडेंट यहां पे अगर आप लोग देखोगे परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या है, जब अगर लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो a प्लस बी का वैल्यू किसके इक्वल आता है, जीरो के इक्वल आता है। तो a और b का वैल्यू अगर प्लस करने के बाद जीरो के इक्वल आ गया, मतलब वो दोनों लाइन क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। सो यहाँ पे वैसे ही पहले जो गिवन इक्वेशन है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन स्टूडेंट है 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर। सो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो आप लोग ना इसको कंपेयर करो होमोजेनियस इक्वेशन से, तो कंपेयरिंग विथ
एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो. तो देयरफॉर ए का वैल्यू जो है, ए का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, प्लस थ्री. ए के लिए प्लस थ्री, टू एच के लिए माइनस ऑफ फोर और बी के लिए माइनस थ्री. तो पहले हमने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे जो इक्वेशन था उसको स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब होमोजेनियस इक्वेशन से कंपेयर किया, वहां से हमें ए और टू एच और बी का वैल्यू मिल गया. सो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या था स्टूडेंट, ए और बी को प्लस करने के बाद जीरो आना चाहिए. तो यहाँ पे लिखोगे फॉर परपेंडिकुलर ए प्लस बी, एक मड़ा सॉरी. सो यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू जो है वो इक्वल टू जीरो आना चाहिए. तो a का वैल्यू देखोगे तो प्लस थ्री है, तो प्लस थ्री यहाँ पे साइन प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और b का वैल्यू क्या है माइनस थ्री है तो ये माइनस थ्री. सो स्टूडेंट यहाँ पे प्लस थ्री और माइनस थ्री क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो देयरफॉर लाइन परपेंडिकुलर perpendicular to each other. So यहां पे हमको लाइन का इक्वेशन दिया गया था होमोजीनियस का, उसको कंपेयर करना है आप लोगों को. और जो मैंने नोट में पॉइंट्स लिखाया है, अगर परपेंडिकुलर है तो ए प्लस बी का वैल्यू इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और कोइंसाइड या फिर पैरेलल होंगे तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी आना चाहिए. So, इसमें आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए, ये सब टू मार्क्स के समझते हैं स्टूडेंट. सेकेंड सम है यहाँ पे, शो दैट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, शो दैट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स वाई प्लस ये क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट वाला पार्ट है वाई के साथ में वो बी का पार्ट दिया है वहां पे. एक मिनट रुकिए, देखते हैं यहाँ पे नाइन है शायद से, नाइन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो और कोइंसिडेंट. यहाँ पे ये पार्ट थोड़ा सा करेक्शन किया हुआ है, अभी देखते हैं यहाँ पे क्या है वो. तो हम पहले जो गिवन इक्वेशन है वो लिख लेते हैं. गिवन इक्वेशन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स वाई प्लस नाइन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो. सो अगर आप लोग कंपेयर करोगे स्टूडेंट इसको, तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा प्लस वन, और टू एच की जगह पे क्या आ जाएगा प्लस सिक्स, और फिर यहाँ पे b की जगह पे क्या आ जाएगा नाइन आ जाएगा. सो स्टूडेंट यहाँ पे h का वैल्यू क्या आ जाएगा, h का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ये सिक्स को डिवाइड तो ये थ्री हो जाएगा. तो स्क्वायर ऐसा दिया है, तो वो करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग भी मतलब नोटबुक में अपने. अब a यहाँ पे h निकाल दिया, कोइंसाइड के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए कंडीशन, h स्क्वायर इक्वल होना चाहिए ab के. तो देयरफॉर पहले हम लोग h स्क्वायर निकाल लेते हैं, h स्क्वायर इक्वल्स टू h यहाँ पे कितना है थ्री है, तो थ्री का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा नाइन. इसको हमने फर्स्ट कंडीशन कंसिडर कर लिया. और फिर राइट साइड में ab था, a के लिए वन है b के लिए नाइन है, तो वन इंटू नाइन कितना हो जाएगा नाइन, ये सेकेंड कंडीशन हो जाएगा. सो देख रहे हो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू इक्वल है. तो देयरफॉर From equation one and equation two, x square equals to ab. Therefore, the given lines are
क्विंसेस साइड। ठीक है, कुछ डाउट नहीं है ना आप लोगों को इसमें? कुछ भी अगर डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हो। थर्ड वन है, find the value of k if lines represented by kx square plus 4xy minus of 4y square equals to 0 are perpendicular to each other each other। ठीक है, अच्छा हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है स्टूडेंट की के का वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्या फाइंड करना है, के का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। सो के का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कुछ कंडीशंस गिवन है। यहाँ पे क्या बोला है, परपेंडिकुलर है पहले से ही, इस क्या है परपेंडिकुलर है। सो स्टूडेंट परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या दिया रहता है, परपेंडिकुलर के लिए ये कंडीशन होता है एच स्क्वायर इक्वल होता है किसके, ए बी के। So, अगर हम ये कंडीशन यूज करेंगे तो हमें के का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो गिवन क्या दिया है, गिवन इक्वेशन यहाँ पे पैरेलल का कंडीशन है ना, परपेंडिकुलर का तो नहीं, नोट में ये भी लिखना है, ये कोइंसाइड भी जब करेंगे और जब पैरेलल भी होंगे तभी भी। देखो पैरेलल और कोइंसाइड मतलब कैसे, दोनों लाइन एक ही पे होंगे। अब जैसे ये लाइन है ना, सॉरी परपेंडिकुलर के लिए ए प्लस बी इक्वल्स जीरो आ जाएगा। तो हम पहले क्या करते हैं ना, गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं। तो गिवन इक्वेशन यहाँ पे क्या है, के एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। सो आप लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखिएगा पहले कि कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगा, के के, और 2h जो है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, और b के प्लेस पे क्या मिल जाएगा माइनस ऑफ 4। सो फॉर परपेंडिकुलर, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस कंडीशन क्या होता है, a प्लस बी इक्वल्स टू जीरो आता है। सो स्टूडेंट यहाँ पे a के लिए कौन है, k है, और b के लिए क्या है माइनस 4 है, तो माइनस ऑफ 4 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर k इक्वल्स टू 4। ये काफी इजी क्वेश्चन होते हैं और स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट काफी इजी चैप्टर भी है। मैट्राइसिस हो गया स्टूडेंट, फिर ये अपना स्ट्रेट लाइन हो गया, लॉजिक हो गया, ये सब काफी इजी चैप्टर्स है और ये काफी स्कोरिंग है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। हां हां हां, नेक्स्ट क्वेश्चन है अबे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में ना एक्यूट एंगल कैलकुलेट करना है और इसके 4 सब क्वेश्चंस भी है। सो यहाँ पे फर्स्ट जो है क्वेश्चन ये दिया गया है, फाइंड द मेजर ऑफ द एक्यूट एंगल। क्या हमें कैलकुलेट करना है, एक्यूट एंगल कैलकुलेट करना है between the lines represented by first है यहाँ पे 3x square minus 4√3xy plus 3y square equals to 0 है। अगर आप लोग देखोगे एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस के लिए ये फॉर्मूला था,
स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी था। सो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है ना, ये वो फॉर्मूला सिर्फ यूज करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, पहले डिफाइन कर लेते हैं, लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल, किसके बीच में, लाइन के बीच में, बिटवीन दी लाइंस। सो हमने स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या किया, थीटा को डिफाइन किया, ये एक्यूट एंगल है। अच्छा, तो आप लोग अब क्या करोगे ना, ये जो होमोजीनियस इक्वेशन है इसको होमोजीनियस के साथ कंपेयर करोगे। तो होमोजीनियस इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे, सो यहां पे लिखता हूं मैं कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो स्टूडेंट यहाँ पे ए का वैल्यू जो है वो हमारा 3 हो जाएगा और 2h का वैल्यू जो है वो -4√3 हो जाएगा। बट हमें फॉर्मूले में ना स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ h चाहिए रहता है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, h इज इक्वल्स टू क्या आएगा, -4√3/2 हो जाएगा। सो दैट यहाँ पे h इज इक्वल्स टू -2√3 हो जाएगा, ठीक है। और b का वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, b का वैल्यू +3 है, तो +3 a के लिए, +3 a के लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो +3 है, 2h के लिए -4√3 और b के लिए स्टूडेंट यहाँ पे +3 है। सो हमने पहले सबका वैल्यू सेपरेट लिख दिया। अब tan थीटा का फॉर्मूला लिखो, tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, मॉड्यूलस ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन क्या चाहिए यहाँ पे ए प्लस बी, वैल्यू पुट करो स्टूडेंट यहाँ पे, तो 2 हम बाहर ही रखेंगे अंडर रूट में, वैसे एच का स्क्वायर है, एच मतलब कौन, -2√3, तो -2√3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ऑफ ए बी, ए के लिए +3 है और बी के लिए भी +3 है, तो यहाँ पे 3 × 3 हो जाएगा और ए प्लस बी है, ए के लिए +3 है, बी के लिए भी +3 है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 + 3, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2√ -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 3 हो जाएगा, माइनस ऑफ 3 × 3 क्या हो जाएगा 9 और यहाँ पे 3 + 3 कितना होगा 6 हो जाएगा, ठीक है। सो ये 2 के टेबल में 1 टाइम आ जाएगा और ये 2 के टेबल में 3 टाइम आ जाएगा, सॉरी हाँ, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 में से 9 माइनस कर दोगे तो 3 हो जाएगा। सो एक मिनट दीजिएगा। सो स्टूडेंट यहाँ पे tan थीटा जो है न्यूमरेटर में √3 बचेगा और डिनोमिनेटर में 3 बचेगा। अगर ये 3 को हम लोग दो बार रूट में लिख सकते हैं, √3 × √3, तो 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू ये √3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एक बार ही √3 बचेगा। तो आप लोग बताओ ये जो tan के टेबल में tan मतलब 1√3 कहाँ आता है, 1√3 जो है वो tan 30 पे आता है, तो tan यहाँ पे क्या लिखोगे 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हम लोग रेडियन में भी लिख सकते हैं और डिग्री में भी लिख सकते हैं, तो हमने लिखा यहाँ पे π/6, therefore जो acute angle है वो कितना आ जाएगा π/6। सो इजी क्वेश्चन है और ये काफी मतलब काफी बार पूछे भी जाते हैं ये सब, कि अगर ऐसे हमें दिया रहेगा या होमोजीनियस इक्वेशन और आपको यहाँ पे एक्यूट एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा, थीटा का कंपेयर करोगे वो कितना आ जाएगा π/6, दोनों साइड में टाइम है और दोनों इक्वल भी है तो उनका जो एंगल होगा वो भी इक्वल हो जाएगा, मतलब थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा π/6। एक सम और करेंगे सो आपको अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा, किसी को कुछ डाउट नहीं है ना, हाँ डिग्री में भी लिख सकते हो बट रेडियन ज्यादा प्रेफर होता है सो रेडियन में लिखना, वैसे वो भी करेक्ट है, 2x² + 7xy + 3y² = 0। अच्छा अगर आप लोगों के पास में नोटबुक पेन वगैरह होगा तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो साथ में,
ए के लिए यहाँ पे क्या है 2m, और 2h के लिए यहाँ पे क्या है 7m, और b के लिए यहाँ पे क्या है 3m. सो यहाँ पे h का वैल्यू क्या हो जाएगा 7/2. तो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, फॉर्मूला क्या था tan थीटा, बट हमेशा याद रखना थीटा को डिफाइन करके यूज करना. लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल. तो देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन क्या हो जाएगा a प्लस बी. अब यहां पे स्टूडेंट वैल्यूज पुट करो, 2 वैसी रहेगा अंडर रूट, h का स्क्वायर है, h का स्क्वायर है मतलब यहाँ पे h जो स्क्वायर कर देंगे तो ये 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4. सो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 49/4 माइनस a के लिए स्टूडेंट यहाँ पे 2 है और b के लिए 3 है, तो 2 इंटू 3 कितना होगा 6 अपॉन 2 प्लस 3. 2 वैसी रहेगा अंडर रूट, 49 भी वैसी रहेगा माइनस 6 इंटू 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इंटू 6 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 24 अपॉन कितना हो जाएगा ये 4, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 5. ठीक है, तो 49 24 माइनस कर दोगे तो यहां पे 25, तो 2 अंडर रूट, न्यूमरेटर में 25 डिनोमिनेटर में 4 ही रहेगा, और अपॉन कितना हो जाएगा 5. तो यहां पे ये कितना हो जाएगा, हाँ 25 अपॉन 4 है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 25 जो ये करेक्ट है पाई बाय 2 आ जाएगा, पाई बाय 2 नहीं आएगा 4 आएगा. सो ये क्या नाम है मॉम, क्योंकि 45 पे 1 होता है, ये कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे कितना है 5 है, तो ये जो 2 और 2 दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, और 5 और 5 भी कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा. सो हमारा tan थीटा जो है वो इक्वल टू 1 है, और tan थीटा इक्वल टू 1 होता कहां पे है 45 पे, तो tan क्या है 45, और 45 को पाई बाय 4 लिखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 हो जाएगा. आज हमने एक्यूट एंगल पे और इसके बाद जो नोट है उनपे ही सम से सॉल्व कर रहे हैं. इसका जो लास्ट वाला सम है यहाँ पे स्टूडेंट, इसका जो लास्ट पार्ट है फोर्थ वन, वो थोड़ा सा लेंदी है. ए स्क्वायर माइनस 3b² इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8ab xy प्लस b² माइनस 3a² यहाँ पे y² इक्वल्स टू 0 है. ये पार्ट में हमें को हमें कैसा आना, एक मिनट, हमें पहले से ही स्मॉल ए स्मॉल बी के टर्म्स में यहाँ पे लेटर्स दिए हैं. सो आप लोग जब कंपेयर करोगे तो इसको कैपिटल ए से कंपेयर कर देते हैं. पहले इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ कंपेयरिंग विथ. कैपिटल ए लिखता हूं क्योंकि स्मॉल ए पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है. ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पे ए का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, ए के लिए यहाँ पे ये पूरा पार्ट है ए स्क्वायर माइनस 3b², 2h का वैल्यू क्या हो जाएगा 8ab. सिर्फ h का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 को 2 से डिवाइड कर दो तो 4ab हो जाएगा, और फिर बाद में b के लिए जो है b² माइनस क्या हो जाएगा 3a². सो अब क्या करना होगा, हमें जो हमारा फॉर्मूला था tan थीटा का वो यूज करना होगा. लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल. ठीक है,
तो tan थीटा का फॉर्मूला जो है वो पहले हम लोग सब स्मॉल में लिखते थे, बट यहाँ पे सब कैपिटल में कंसिडर किया, यहाँ पे इसलिए फॉर्मूला कैपिटल में लिखना, 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन क्या हो जाएगा ए प्लस बी। सेम सम है स्टूडेंट, बस थोड़े से यहाँ पे कैसे जो यहाँ पे टर्म्स है वो थोड़े मतलब ज्यादा कर दिए, दो दो टर्म्स दे दिए। तो पहले अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने से पहले ये रूट वाला पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब सबको अलग अलग सॉल्व करके सब फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसको इक्वेशन वन कंसिडर कर लिया। सो रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस ए बी है, तो पहले हम लोग एच स्क्वायर माइनस ए बी निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूं मैं एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच का स्क्वायर है तो यहाँ पे एच के लिए कौन है फोर ए बी है, एच के लिए क्या है फोर ए बी है, तो यहाँ पे एच का स्क्वायर है तो हम लोग लिखते हैं फोर ए बी, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस ए इंटू बी है, ए के लिए क्या है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस थ्री बी स्क्वायर है, और बी के लिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसका पहले फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर कर देना है। तो फर्स्ट पार्ट का अगर स्क्वायर करोगे तो फोर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये क्या होगा 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस। अच्छा अगर देखोगे ये ब्रैकेट दोनों चैन अभी सिंप्लीफाई नहीं है और इनके बाहर जो है ना माइनस साइन है, तो हम लोग वो कॉमन माइनस लेते हैं। अब ए स्क्वायर पहले बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये प्लस में है और यहाँ पे ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस थ्री ए रेस टू फोर हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस में और ये प्लस में है तो माइनस आ जाएगा थ्री बी रेस टू फोर हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, थ्री को थ्री के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो नाइन, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। ये बाहर माइनस था स्टूडेंट इसलिए मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट यूज किया है, तो 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ब्रैकेट अगर आप लोग ओपन कर दोगे तो सबका साइन भी चेंज हो जाएगा। देखो ब्रैकेट के अंदर ना लाइक टर्म्स है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे वन टाइम है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे नाइन टाइम है, तो नाइन प्लस वन कितना हो जाएगा टेन हो जाएगा प्लस में, बट बाहर क्या है माइनस है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ टेन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा अगर ये आप माइनस में थ्री ए बट बाहर भी माइनस है तो वो क्या हो जाएगा प्लस थ्री ए रेस टू फोर और प्लस थ्री बी रेस टू फोर। सो एक बार और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 16 है और ये 10 है, दोनों लाइक टर्म्स है, 10 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस थ्री ए रेस टू फोर प्लस थ्री बी रेस टू फोर। सो हमारा ये पार्ट सिंप्लीफाई हो गया स्टूडेंट। ठीक है, ये पार्ट जो है हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब क्या करना होगा, ये जो पार्ट है ना मतलब ए प्लस बी, उसको भी अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। ए प्लस बी को अलग से कैलकुलेट करने के बाद में उनका वैल्यू हम लोग वो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद में या तो अब अगर आप लोग देखोगे ये सब पूरे टर्म्स में देख रहे हो, यहाँ पे कैसे 6 है 3 है और ये 3 है, तो सब में कॉमन क्या है 3 है, तो हमें सब टर्म्स में से 3 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 3 अच्छा 3 टू सा कितना होगा 6, तो 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए रेस टू 4 और ये कितना हो जाएगा बी रेस टू 4। हमने पहले एच स्क्वायर माइनस ए बी कैलकुलेट किया, वैल्यूज पुट अप किया, सिंप्लीफाई किया, लास्ट में यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन ले लिया। अगर इसको देखोगे आप लोग ध्यान से 3 वैसे ही रखा हम लोग ने, पहले मैं ए रेस टू 4 को, अच्छा ए रेस टू 4 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए का स्क्वायर फिर उसका भी स्क्वायर, क्योंकि पावर जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं, 2 इंटू 2 कितना होगा 4 हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है। अच्छा बी रेस टू 4 को भी तो ऐसे लिख सकते हो, बी का स्क्वायर फिर उसका भी स्क्वायर। एक बार रिपीट करता है, ए का पावर 4 था तो 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हो, बी का पावर भी 4 था तो उसको भी 2 इंटू 2 लिख सकते हो, और ये पार्ट वैसे लिखा ये तो एक फॉर्मूला है। ये जैसे फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर है
प्लस टू टाइम्स ऑफ फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है, और यहाँ पे सेकंड पार्ट का स्क्वायर है, तो ये पूरा टर्म क्या है? अगर यहाँ पे ये देखोगे a प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर है, यहाँ पे सेकंड पार्ट का स्क्वायर है, और यहाँ पे टू ए बी है, यहाँ पे भी वैसे ही है, फर्स्ट पार्ट है उसका स्क्वायर है, फिर लास्ट पार्ट है उसका भी स्क्वायर है, मतलब ए की जगह सिर्फ ना ए स्क्वायर है, तो ये थ्री आ जाएगा, और ये किसका स्क्वायर है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी स्क्वायर है, ठीक है? तो हमें अंडर रूट चाहिए, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी है, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर रूट अंडर रूट प्लस माइनस, अच्छा थ्री किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा? रूट थ्री का, तो रूट थ्री लिखोगे, और ये यहाँ पे स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होके सिर्फ क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? तो एक बार रिपीट करता हूँ स्टूडेंट, मैं ए का वैल्यू लिखा, एच का वैल्यू लिखा, बी का वैल्यू लिखा, फिर पहले एच स्क्वायर माइनस ए बी कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, एच स्क्वायर माइनस ए बी कैलकुलेट करके उसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, अब डिनोमिनेटर में ए और बी को एड करना है, इसको एड करना है ए और बी को, यहाँ पे ए प्लस बी, ए के लिए वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर माइनस थ्री बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस थ्री बी स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है? बी स्क्वायर हेलो माइनस थ्री, हाँ सर, तो सर इस टाइम का मीटिंग, इस मीटिंग का टाइम खत्म आ गया, मैं दूसरा लिंक भेज रहा हूँ सबको, ओके सर।